अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब की दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह के टाइम पे मेरे हस्बैंड गए थे जी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो वहीं से ये जो है ना हमारे लिए लेकर आ गए मज़ेदार सी पूड़ियाँ और जो होते हैं छोले। तो यहाँ पे पालक वगैरह भी लेकर आ गए थे जो मैंने पहले भी आप लोगों से वीडियो शेयर की थी, तो उसका क्लिप भी यहाँ पे जो है मैंने ऐड किया हुआ। पालक को मैंने बॉयल करके रख दिया, चिकन वगैरह जो थी वो मैंने धो दी, और उसके बाद जो है जैसे ही मुफार हो गए तो मेरे हस्बैंड किसी जानने वाले ने साग लेकर आ गए, जिसको देख के मेरे सर में दर्द हो गया कि अब इसको कौन काटेगा। लेकिन फिर ये है कि जो लेकर आ उसकी बहुत बहुत जो है शुक्रिया उसका, जो वहाँ से हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी दूर जो है ना उनका गाँव है, वहाँ से वो जो है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा साग लेकर आए थे और बहुत ही मज़ेदार था। लेकिन ये कि मुझे थकावट होती इस वजह से मुझे जो है थोड़ी सुस्ती सी महसूस हुई, लेकिन मैंने उस साग को भी अच्छे से काट के और अच्छे से मैंने यहाँ पर साग को बॉयल करके रख दिया। आप लोग देखिए इसे धुआं यहाँ पे उठ रहा है, जैसे कोई ना पता नहीं क्या कोई ड्रोनी जो फिल्में वगैरह होती है उस तरीके से। यहाँ पे हमारी जो है साथ ही साथ बच्चों के लिए बिरयानी भी बना रही थी, और पहले जो मैंने पालक जो है बॉयल करके रख दी थी, और उसके बाद अब मैं साग को भी बॉयल कर रही थी। चिकन वगैरह मैंने साफ़ से धो दी थी और उनको जो मैंने शॉपरों में डाल के रख दिया, ताकि जब भी मुझे बनानी हो तो साफ़ से रखी हुई हो। तो ये आप लोग देखें फिर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ पे तैयार हो गई है। मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर मज़ेदार सी बिरयानी भी तैयार की, साग को मैंने बॉयल करके रख दिया था, उसको मेरे शॉपरों में डाल के तीन जो है ना तीन शॉपरों में डाल के रख दी। कोई भी नहीं खाता साग में, और मेरे हस्बैंड खाते और बच्चे मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब भी बॉयल भी हो रहा तो मेरे बच्चे कह रहे थे किस तरीके की स्मेल आ रही है, तो बच्चों को काफ़ी जो है ना बस नहीं पसंद, कैसे बिल्कुल जोरी खिला सकती हूँ। वैसे सब्ज़ी वगैरह बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन नहीं खाते बच्चे, और जो खाते हैं तो वो बिल्कुल दबा दबा वाली सब्ज़ी ज़रूर खिलाते, सब्ज़ी बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे मैं काम से फारिग हुई तो पता चला कि शाम के टाइम पे हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए भी मेहमान तो अल्लाह के रहमत होते हैं। और जितनी थकावट वगैरह तो मैंने साइड में, क्यों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन का सालन बना लेता है, चार गोश डाल के प्याज वगैरह का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट बनाकर, जिस तरीके से मैं आप लोगों को रेसिपी देती हूँ कि जल्दी से सालन बनाना हो तो इस तरीके से आप लोग पेस्ट वगैरह बना के डाला कर, साथ में हमने बिरयानी तैयार की थी, गाजर का हलवा मेरे पास मौजूद था, रायता वगैरह तैयार किया, मेहमानों के लिए अच्छे से मैंने यहाँ पे खाना तैयार किया। तो आज काफ़ी काम था और काफ़ी थकावट भी हो गई थी, और थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई। कैसी तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और फुल वॉच कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, और न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है कैसी लगती है मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा।